स्टूडेंट्स वेलकम टू द वीडियो सीरीज ऑफ विवेकानंद पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल सोहागपुर। आज की इस वीडियो में हम इवन नंबर एंड ऑड नंबर पढ़ेंगे। तो क्या होते हैं इवन नंबर और क्या होते हैं ऑड नंबर? तो सबसे पहले आपको यहाँ पिक्चर्स दिख रही होगी स्टार्स की। इन स्टार्स में हमको क्या करना है, इनकी फ्रेंडशिप कराना है। तो कैसे कराएंगे? टू टू स्टार्स की हम फ्रेंडशिप कराएंगे। तो इस स्टार की इस स्टार से फ्रेंडशिप हो गई, इस स्टार की इससे हो गई और इस स्टार की इससे हो गई। तो यहाँ पर देखेंगे हम टू टू स्टार्स में पेयर बन रहे हैं, जोड़े बन रहे हैं। एक भी यहाँ पर स्टार ऐसा नहीं है जो सिंगल है, जिसकी फ्रेंडशिप नहीं हुई है। तो यहाँ पर हमको देख रहे हैं कि दो टू टू स्टार्स में फ्रेंडशिप हो गई है। तो टोटल यहाँ पर कितने स्टार्स हैं? 1 2 3 4 5 6। तो ये जो 6 है ये क्या है? आपका इवन नंबर कहलाएगा। अब सेकंड नंबर पर देखेंगे कैट बनी हुई है। अब कैट में भी टू टू कैट्स, कैट में हमको फ्रेंडशिप कराना है। तो इस कैट की फ्रेंडशिप इससे होगी और इस कैट की फ्रेंडशिप इससे होगी। तो ये टोटल कितनी कैट्स हैं? 1 2 3 4। तो जो 4 रहेगा वो आपका क्या रहेगा? इवन नंबर रहेगा। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं और रिमाइंडर में कुछ भी नहीं शेष बचता है, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके इवन नंबर। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2 4 6 8 10, जो कि किस कौन से टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में। तो जो 2 के टेबल में जो नंबर्स आएंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? इवन नंबर कहलाएंगे। अब पढ़ेंगे हम ऑड नंबर। तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं? यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट नंबर पर स्टार बने हुए हैं 3। तो इसमें भी हम फ्रेंडशिप कराएंगे स्टार्स की। तो इस स्टार की फ्रेंडशिप इससे हो गई, लास्ट में बच रहा है 1 स्टार। अब इसके लिए कोई फ्रेंड्स नहीं है, यानी कि ये सिंगल बच रहा है। तो ये जो सिंगल बचेगा तो वो आपका क्या कहलाएगा? ऑड नंबर कहलाएगा। तो टोटल कितने स्टार्स हैं? 3 है। तो 3 नंबर्स जो है वो आपका ऑड नंबर कहलाएगा। ऑड नंबर्स में क्या होता है? एक ना एक फ्रेंड्स ऐसा बचता है जिसकी फ्रेंडशिप किसी से भी नहीं होती। अब यहाँ पर देखेंगे बैलून बने हुए हैं। तो इस बैलून की फ्रेंडशिप हम इससे कराएंगे, इस बैलून की फ्रेंडशिप इससे कराएंगे। लास्ट में आपको देखने को मिल रहा है एक बैलून ऐसा है जिसकी फ्रेंडशिप किसी से नहीं हुई। तो टोटल बैलून कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो जो 5 नंबर रहेगा आपका, ये ऑड नंबर रहेगा। तो ऑड नंबर्स में यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से नंबर्स आते हैं? 3 5 7 9, जो कि 2 के टेबल में नहीं आते हैं। तो जो नंबर्स 2 के टेबल में आते हैं वो हमारे इवन नंबर कहलाएंगे, और जो नंबर्स 2 के टेबल में नहीं आते हैं वो हमारे ऑड नंबर कहलाएंगे। जो 2 से डिवाइड, जिसमें जो भी नंबर ऐसा नंबर जिसको हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर में जब कुछ भी नहीं बच रहा है तो वो हमारा इवन नंबर कहलाएगा, और जिसमें रिमाइंडर में कुछ बचता है तो वो हमारा ऑड नंबर कहलाएगा। आपको ये याद रखना है कि इवन नंबर में जब हम फ्रेंडशिप कराते हैं तो जितने भी फ्रेंड्स रहते हैं सबकी फ्रेंडशिप हो जाती है, ऐसा एक भी फ्रेंड्स नहीं बचता है जिसकी फ्रेंडशिप ना हुई हो। और ऑड नंबर्स में क्या होता है? कुछ फ्रेंड्स की फ्रेंडशिप हो जाती है और एक फ्रेंड्स उसमें हमेशा बचता है जिसकी फ्रेंडशिप किसी से भी नहीं होती। तो ये इवन नंबर और ऑड नंबर्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप प्रैक्टिस करिए करने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।